96 एज है इनकी, उम्र 96 चल रही है बाबा। कि लोग अक्सर कहते हैं कि नानी के गांव के लोग जन्नती होते हैं। ये यहाँ की जामा मस्जिद से पहली बात तो अंकल आप आए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पे मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। बुजुर्ग हमारे हैं शेख मोहम्मद खलफे साहब, मेरे नाना के बहुत करीब और दोस्तों में रहे साथ, तो मस्जिद में मेंटेनेंस की खास जरूरत है। तो ये आसिफ खलफे साहब हैं और ये मेरे टूर एंड ट्रैवल वाले जो है आज मेरे टूर गाइड रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं अभी कुंबले में हूँ, मंडनगढ़ तालुका में, और कुंबले से मंडनगढ़ सिटी जो तालुका प्लेस है उसका डिस्टेंस है तकरीबन 7.5 किलोमीटर या 7.6 किलोमीटर। और यहाँ से मुझे जाना है अपने नानी के गांव जिसका नाम है टीड़े। स्पेलिंग वाला सब सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। और कुंबले से टीड़े का डिस्टेंस है 3.2 किलोमीटर और मोहल्ले का कुछ 100-200 मीटर ज़्यादा होगा, तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक समझ लीजिए। तो यहाँ से अभी मुझे चलना है अपने नानी के गांव में टीड़े में। यहाँ पे जो जाना अगर है टीड़े में तो मंडनगढ़ से भी और एसटी बसेस हैं, लिमिटेड है, लेकिन यहाँ कुंबले में रिक्शा स्टैंड है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। रिक्शा स्टैंड से शेयरिंग में रिक्शा टीड़े के ब्रिज तक लेके जाती है, गाँव से पहले जो ब्रिज है वहाँ के डैम से जो नीचे के हिस्से में, 15 रुपये पर सीट है शेयरिंग रिक्शा में। अगर स्पेशल आप ही लेके जा रहे हो तो 60 रुपीज़ में लेके जाएगा 3 सीट आपके। अगर एक साथ आप स्पेशल लेके जाना चाहते हैं, किसी मोहल्ले या वाड़ी में जाना है आपको, तो 80 रुपीज़ है उसके लिए। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, जाते वक्त आपको नदी डैम जो भी दिखाई देगा आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। इस तरफ कुंबले से आऊँगा तो ये जाता है पिंपलोली वलौटे लाटवन और महाड़ की तरफ, ये रोड जाता है। कुंबले से निकल के चंद 100 मीटर के बाद ये लेफ्ट हैंड पे अंदर आता है नदी किनारे से, ये जो ब्रिज आता है वहाँ से जाना होता है टीड़े, और ये नदी पड़ती है। इस नदी में बारिश में जब ज़्यादा बारिश होती है बारिश के सीज़न में तो इस ब्रिज के ऊपर से ओवरफ्लो होता है पानी और लोगों का गाँव में जाना आना बंद हो जाता है। ब्रिज पे ये जो ब्रिज है इसको आम जबान में फर्शी कहते हैं, और फर्शी जो है ना ये जब इसके ऊपर से पानी ज़्यादा आता है क्योंकि ये नदी साल भर, अभी देखिए मई का महीना है पानी है, ये टीड़े की नदियाँ जो है ना ये साल भर पानी रहता है, उसमें मीठे नदी की मछलियाँ भी मिलती हैं। देखो यहाँ के है ना पत्थरों को वगैरह जो तोड़ के निकाल रहे हैं, इसकी डेप्थ को बढ़ा रहे हैं, गहराई को बढ़ा रहे हैं ताकि ओवरफ्लो का मसला ना हो, और डिस्कनेक्ट जो होता है ना गाँव अदर जैसे सिटी से अदर पार्ट से तो उस चीज़ से रोका जा सके। तो कोकण की कुछ नदियों की गहराई बढ़ाई जा रही है, वहाँ देखिए पोकलेन भी लगा हुआ है, ये मशीन रखी हुई है। इस तरफ से ये नदी जो जाती है फिर आगे जाके मिलती है माजुली की, जो गांव देखा था ना आपने माजुली, उस तरफ जाके मिलते हैं केलसी माजुली उस साइड में, ये बाइक है। आगे आने के बाद आपको मिलन हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, ये हैबिटेट सेंटर है शायद ओल्ड एज होम के लिए ये बना रहे हैं। ये टाकेड़े जो है ना यहाँ का, ये नदी के ऊपर का हिस्सा यहाँ पे बन रहा है, शायद ओल्ड एज होम है। एज होम के बाजू में ही किसी का आम का बाग है, अबू साम का। और देखिए रास्ता कितना शानदार है, सायेदार है, दोनों तरफ दरख्त हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से गुजरना। रास्ते में जाते वक्त आपको निम्देवाड़ी मिलेगी, ये बोर्ड है जिसको हम पुराने ज़माने में मांटा कहते थे, चला मांटा तेलू मांटापुरन बोसलू मांटा दताओ, यहाँ भी अंदर कुछ मुसलमानों के घर हैं। ये है टीड़े का बहुत बड़ा डैम है, आप देख रहे सामने, एक इस तरफ के पहाड़ से लेकर इस तरफ तक बहुत ऊंची दीवार है और इसमें पानी भी काफ़ी है, टीड़े का डैम। अब ये देखिए जो डैम है ना इसके लेफ्ट हैंड साइड में एरो भी दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे किसी ज़माने में मुसलमान बस्ती थी, मोहल्ला आबाद था, कब्रिस्तान था, एक मज़ार भी थी, उन बुज़ुर्ग का नाम मैं याद नहीं आ रहा है, उसका हर साल उर्स भी होता है, तो वहाँ पेशवा के ज़माने तक या उसके बाद के ज़माने तक बस्ती थी, फिर वहाँ के मुसलमान अपनी बस्ती छोड़ के कहीं और शायद चिम्बावे वो साइड में वो चले गए।
और फिर वहाँ एक मस्जिद भी थी, उसके निशान थे, मस्जिद का जो फाउंडेशन था और सारी चीज़ें थी। अब तो डैम की आखिरी जो हिस्सा है तो उसमें वो चला गया, क्योंकि आबादी बस्ती नहीं थी और मज़ार को कहीं इस तरफ शिफ्ट किए हैं। अब यहाँ से टीड़े 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ये माइलस्टोन लिखा हुआ है, टीड़े 1 किलोमीटर। हाँ, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि नाना का खेत और यादें, तो देखिए ये पानी अभी भी मई महीना है और पानी बह रहा है, जो ऊपर से डैम से जिसके आता है वो साल भर पानी रहता है। जिस ज़माने में रास्ते पक्के नहीं थे तो रास्तों के बीच में से है ना नाला गुजरा करता था, खेत का पानी गुजरा करता था। और यहाँ पे है ना मेरे नाना जाला लगा देते हैं छोटा वाला मछली पकड़ने के लिए, और छोटी मछलियाँ जिसको हम मुरी कहते हैं, तो मुरी जो है ना यहाँ पकड़ते थे और फ्रेश घर पर ले जाके हल्दी में पकाई जाती थी, बनाई जाती थी, बड़ा ही टेस्टी, गरम गरम उसका हल्दौनी और चावल। और ये जो है नाले का पानी इस नदी में मिलता है, और ये नदी आगे जाके पिंपलोली की नदी में मिल जाती है, दोनों नदियाँ मिलके, जो मैं फर्शी बताया था आपको, वहाँ पे वहाँ से वो आगे बहते जाती है, तो साल भर पानी इस नदी में रहता है। कोकण के लोग हैं वो जानते हैं, ये जो दरख्त या पौधा जो है इसको कहते हैं निगड़ी सा झाड़, यानी निगड़ी की शिमटी। टीचर्स लोग या फिर जानवरों को हांकने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना ये जैसा, तो इसको है ना यहाँ से काटेंगे, ये सब पत्तियाँ निकालेंगे, तो इसको सजा देने के लिए या मारने के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते थे निगड़ी की शिमटी। या मदरसे पर हमें अरबी पढ़ते थे तो ये बेत की लकड़ी जो है ना बहुत ज़बरदस्त लगती है और लचकदार भी रहती है। तो ये पौधा भी मुझे आपको दिखाना था, बचपन में जिनको जिनको निगड़ी से शिमटी नहीं मार पड़ रहे वो सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखे किसका खाए, माँ बाप का खाए, टीचर्स का खाए, मुल्ला जी का खाए। चले आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ा हो गया तो भी चल जाएगा। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ब्रिज के पास ऑटो वाले छोड़ते हैं, तो यही ब्रिज है नदी के ऊपर का, इसी में से जाऊँगा। तो 15 रुपये सीट से, ये देखो पीछे रिक्शा स्टैंड है, तो रिक्शा स्टैंड पर छोड़ते हैं, और यहाँ पर बस स्टॉप है, जो बस का स्टॉप भी और आगे मोहल्ले में भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सामने डैम नज़र आ रहा है, डैम के पास एक नदी वो वहाँ उधर से निकलती है, एक नदी जो है ये यहाँ से ऊपर उन पहाड़ों से आती है। और ये सामने जो है जानवर जो चल रहे हैं, ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं। और वो जो मंडप में जो मंडवा बना हुआ है ना, वहाँ स्टेज जो जैसा बना हुआ है, तो वहाँ उसके आगे पत्थर ब्रिज और वो स्टेज के पीछे पत्थर नज़र आ रहा है काला। वहाँ से बचपन में हम नहाने के लिए आते थे, जब नानी के आते थे तो इसी नदी में नहाया करते थे। वहाँ पत्थर के नीचे काफ़ी गहरा मतलब ये था पानी हुआ करता था, अब तो पत्थर मिट्टी से वो सब गहराई कम हो गई है। चलिए अभी गाँव शुरू होने को है, ये मंसूर वलेले जनाब और उनके भाई शराफत, उनका मकान, और यहाँ आगे से अभी मोहल्ला शुरू होने को है। इस तरफ है टीड़े की सुतारवाड़ी, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सुतारवाड़ी का ये सामने, और ये रास्ता आगे जाता है, और ये है मोहल्ले का बोर्ड, एक तरफ सुतारवाड़ी एक तरफ मोहल्ला, ये यहाँ का बस स्टॉप, और ये यहाँ राशन की दुकान भी है, और ये रास्ता मोहल्ले में जाता है। तो मोहल्ले का बोर्ड और सुतारवाड़ी का बोर्ड जो आपने देखा, वहीं पर मुझे कोई ख़ास रिसीव करने आया है बंदा, और वो मेरे टूर गाइड रहेंगे, तो आइए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, और गांव की टूर के लिए निकल जाएंगे। तो आइए हजरात, मैं मिलाता हूँ आसिफ खलीफे साहब जो है, आसिफ खलीफे हमारे बचपन के दोस्त हैं, माशाल्लाह। तो ये आसिफ खलीफे साहब हैं, और ये इनकी कार देख लीजिए, MH08AX6729। आइए, तो आसिफ भाई का सबसे पहले आप ज़रा करीब आइए, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइए, दोनों हम हाथ लेके चलेगा। तो इनका बिजनेस है टूर एंड ट्रैवल का, और ये मेरे टूर एंड ट्रैवल वाले जो है आज मेरे टूर गाइड रहेंगे, ये इसी गांव से हैं, और अब्दुल्ला खलफे साहब इनके वालिद बहुत ही नेक और अच्छे मशहूर इंसान हैं इस गाँव के, इनके बरकतदार हैं। तो आसिफ भाई आपका शुक्रिया जो आप हमें वेलकम के लिए गाँव के बाहर आए और आप हमको टूर कराएंगे। आसिफ भाई का जो कार्ड है ना विजिटिंग कार्ड, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको कहीं भी टूर करना है, कोई फैमिली ट्रैवलिंग है कि जाना है मुंबई एयरपोर्ट, दापोली खेड़, मंडनगढ़, कोल्हापुर, कहीं भी
तो ये इनकी एडी का कार है, इसके जरिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारा रेफरेंस दीजिए, आप हमारे चैनल को देख के इनकी कार को बुक कर रहे हैं। तो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है टिड़े गांव की। नानी के गांव की मोहब्बत ही कुछ अलग होती है। नानी के गांव के मर्द हजरात मामू कहलाते हैं, और जो लेडीज़ होती है, कोई खाला होती है तो कोई खालादाद बहन होती है। तो टिड़े गांव के लोग बहुत ही मतलब पीसफुल लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं, बड़े ही मोहब्बत वाले लोग हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। ये घर किसका जनाब आसिफ भाई? हसन चिपलुनकर साहब का घर है। और इस तरफ जो मकान आते हो, मकबूल तांबे, असलम तांबे, सिराज तांबे, शौकत तांबे साहब उनके घर है। और ये देखो दूर से ही मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है। आप हमारे शॉर्ट्स देखते होंगे तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी मस्जिद के बारे में बताया था। ये गांव के जिला परिषद की उर्दू प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे इस तरफ देखिए, स्कूल बाहर से थोड़ा दिखा रहा हूँ। और ये 1962 में बनी थी, 1 जून 1962 में। बच्चे पढ़ते हैं ना आसिफ भाई यहाँ पे? जी, स्कूल में पढ़ते हैं ना। हाँ। ओके ठीक है। अभी ये आसिफ जोगिलकर भाई है, उनका ये मकान है। आगे चल रहे हैं अभी सीधा। और ये यहाँ के मुल्ला जी जो मशहूर थे, अरबी पढ़ाते थे। हाँ, यहाँ के इमाम साहब भी थे, क्या नाम, बख्शी भाई और अहमद भाई मरहूम, शमसू भाई, और अभी अजीज भाई वाला जो है उनका मकान है। और सामने जो मकान नजर आ रहा है वो मेरा ननिहाल है, तो वहीं पे मैं मुलाकात कराता हूँ मामू से, तफसील बताता हूँ। और ये भी जो नया जो घर है ग्राउंड प्लस वन, वो भी मामू ने बनाया हुआ है, छोटे मामू ने। बम्बई में टीचर है अनवर खलफे साहब, और दुकान है हमारे मामू हसन खलफे साहब की। बाकी लोग को दिखाने से पहले, ये मेरे मामूजाद भाई हैं अजीम खलफे जनाब, इज ए टीचर। और ये देखो 1966 में इनका ये मकान बना हुआ है, यहाँ पत्थर पे डेट लिखी हुई है 1964 1966। और ये लकड़ी का जो बैठने का है, अपन क्या बोलते हूँ भारतो बसों का, तो कटरो। और ये साग की लकड़ी का बना हुआ मकान। और ये इनके बरकतदार का नाम फौजान, और ये हमारे सब्सक्राइबर है दोनों, मुक्सीद। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या मामू बेसो ना, क्या कोल्ड ड्रिंक विल्डिंग कुनर पास्ता होगा हमला नुको बेसो ना जी। तो ये मेरे बड़े मामू हैं हसन फकीर मोहम्मद खलफे साहब। और ये मैंने कहा ना कि 100-150 साल पुराना घर है नहीं जी जी जी। तो हमारी ये यानी नानी से भी पहले के ज़माने में बना हुआ है जी। और ये इनकी किराना दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, हे पण बघा इथेच मिलले आमला, काय बात आहे आमची मुकद्दर हो नशीब उघडले, साइड ना व्हायचा, आम्ही येतो तुमच्या घरापर्यंत येतो नक्कीच नक्कीच। हा ये देखो, ये मेरे मामू का ये पुराना सिस्टम का किराणा दुकान है। ये बरनी में सामान रखे हुए। और ये तुमचं नाव सांगा, मना माहिती सांगा जोरात, बशीर भाई बोला खलफे, हा बस। आणि पोराचं नाव काय फेमस पोर तुमचं? महबूब खलफे, हमारी जान है महबूब, जैसे नाम महबूब वैसे हमारे महबूब है। इनका बेटा भी बड़ा सोशल है। तो ये दुकान है पुरानी, तकरीबन 60 साल से ज़्यादा पुरानी किराने की दुकान है। चलो आगे बढ़ते फिर। हाँ, गाँव की यहाँ भी पुरानी दुकान थी हसन वलेले साहब की, है ना, बाद में उनके बेटे रफीक वलेले साहब और दिलावर भाई भी चलाते थे। अभी बंद है ना दुकान? तो फिलहाल बंद है। और इसरफ मोहल्ला है जहाँ आसिफ भाई किक का बताइए किसका किसका घर है, आगे आके बताओ। आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, ये इधर मेरे सामने आ जाओ। हाँ, सिराज जोगिलकर का वो मकान है। और वहाँ पे सिराज जोगिलकर, इकबाल जोगिलकर, फैसल जोगिलकर, नासिर जोगिलकर, वो नासिर जोगिलकर, ये पीछे पीछे रियाज जोगिलकर। अच्छा, रियाज जोगिलकर जो हसन भाई थे। हसन भाई, अच्छा आ जाओ यहाँ से और दिखाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मेरी खाला के घर पे। ये सामने है मेरी खाला का घर, देखो येलो कलर में जो दिख रहा है, येलो और मिंट ग्रीन। तो वहाँ जाके देखता हूँ खाला खालू है कि नहीं। सईदा खलील पेटकर इनके यहाँ पे जाते हैं, नहीं दिखाऊंगा तो हमारे खालू नाराज हो जाएंगे। ये जनाब इस्माइल मालवनकर साहब का मकान। और ये देखो खड़ी वाला रखी हुए, तो यहाँ पे रास्ता बनने वाला है पक्का। ये हमारे मालवनकर जो फैमिली है यहाँ की, उनका मकान है। चलो चलो, गांव का कच्चा रोड वापस पक्का बनेगा। ये मोहिद्दीन खलफे साहब जो है, और उनके कज़िन भाई जो लतीफ़ खलफे लंदन में थे, उनका ये पुराना मकान है। इधर ये मंसूर वलेल साहब का पुराना मकान,
और ये इब्राहिम वलेल साहब, उनके बेटे अभी है ना वो अपना जाफर जाफर वलेल साहब, सादिक वलेल और फैज फैज अहमद वलेल जी, और ये हमारे रफीक भाई वलेल जो जिनका दुकान नीचे का आता है हसन वलेल साहब, तो उनके बेटे रफीक वलेल जिला वलेल साहब, उनका ये मकान है। और ये हसन भाई का है ना, हसन खलफे, हाँ ये पुराना मकान है, नया उधर बना है ना सामने, ये है हमारे हसन भाई का मकान दिखा रहा हूँ। और ये अजीम खलफे साहब जो है ना, जिनकी आवाज़ में आपने कसीदे सहरे वगैरह सुने होंगे, ये उनका मकान है। और रास्ते में बताया था डेट के साथ में। और ये जो है ना हमारे कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर मीनास खलफे साहबा, ये उनका गांव का मकान है। मैं मिलूंगा उनकी ससुर जी से, सास जो साहबा सब मिलेंगे, क्योंकि मेरे नाना के दोस्तों में रहे हैं शेख मोहम्मद खलफे साहब। एक बुजुर्ग हमारे हैं शेख मोहम्मद खलफे साहब, मेरे नाना के बहुत करीब और दोस्तों में रहे, साथ में मुहर्रम रियाज गांव के कई मसाइल का हल निकालना, वो तो गांव के बुज़ुर्गों में है। अभी सुनाई कम देता है, लेकिन बुज़ुर्गों से मिलना, उनसे तहनीत करना, उनसे मुलाकातें करना, खैर खैर पूछना, तो सुन्नत का तरीका है ना, तो मिलना काफ़ी ज़रूरी है। दुआ करें अल्लाह इनको अच्छी सेहत दे। हमारी मीनास खलफे साहबा जो है उनके ससुर जी हैं हसरत खलफे, इनके बेटे, बचपन में हम लोग साथ में खेले हुए। शाहिद भाई का नया मकान है, शाहिद मोहम्मद जाफर खलफे, अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है, जल्दी इसकी घरबनी भी होगी। अभी मिला था थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ मौजूद नहीं है, काम के चक्कर में बिजी है, ठीक है। और इस तरह से आगे भी मकानात है और लोगों के, और भी फैमिलीज़ के इस गांव के, गांव एकदम पूरा ये हरियाली है, जंगल है, सब है, बड़ी शांति है। ये बांस के दरख्त भी यहाँ पे, इस तरह वैसे मकानात पुराने नए। आसिफ भाई के अब्बा का ये मकान है पुश्तोनी पुराना, आसिफ भाई ने अलग से अपने लिए भी बनाया है, ये भी उनका इससे भी पुराना वो मकान है। बाबा नायक, नहीं तो अब्दुल्ला भाई बोलते ना, एलिया नहीं मना मिलने नहीं, चला मैं जाविया, ठीक है, निकले पर कौन सी घर है इतना जाविया मांगी। ये हसन खलफे साहब जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ही बुजुर्ग और अच्छी हस्ती है, उनके मकान पे चलता हूँ, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बेसो ना क्या है, तुम्हें आमचे बुजुर्ग आओ आणि तुमच्यापासून आम्ही बऱ्याच काय आम्हाला शिकू का मिळला, काय तबीयत बोलते तुमची, बेस आहे ना, बेस वाटलं तुमची मिळून पण माशाल्लाह। तो ये हसन खलफे साहब, तुमचे बाबाचं नाव काय होता, मोहम्मद हसन मोहम्मद खलफे साहब, इनके एक भाई लंडन में भी है, त्याचं नाव काय, अब्दुल रशीद साहब। तो हसन भाई बहुत ही मुखलिस, क्या बोले आसिफ भाई, अब्दुल रशीद म्यूनेस आणि हमीद खलफे भाऊ, हमीद खलफे भाऊ जी लंडन आहेत, जी जी माशाल्लाह। तो बहुत ही मतलब अच्छे लोगों में, और हमारे नाना के साथ भी इनका उठना बैठना रहा है, और काफ़ी अच्छी शख्सियत है। उनका नया मकान है, पुराना मकान भी आपको दिखाया मैंने। नाम अब्दुल्ला मुराद कुल्पी, हाँ जामगे से हैं, मेरे गांव से हैं, हसन भाई के नवास हैं। आसिफ खलीफे साहब जो मेरे टूर गाइड हैं, तो उनके साथ में जो है ना, ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी खोलो मत, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम और जगह ये करेंगे, टूर करेंगे, देखेंगे, ठीक है। आसिफ भाई दापुली में ज़्यादा रहते हैं, तो उनका मकान नहीं हवेली है। ये मुबीन हसन खलफे साहब, ये उनका नया मकान है। और ऐसे हम आगे निकल रहे हैं, अब ये जो रोड कहाँ निकलता है, राइट में, राइट में जाएंगे तो सेना ले जाता है, दूसरे रोड अच्छा रोड को टच होता है, ये मुंबई रोड महाड़ के लिए भी टच होता है, महाड़ के लिए ये शॉर्टकट यहाँ से इनके लिए रास्ता है, आसिफ भाई ना जी, बेस्ट रास्ता है, जब अदर रास्ते बंद हो जाते यहाँ से। और शादी यहाँ हुई थी ना जी, एक मिनट, किसका मकान है ये, अब्दुल्ला जोगिलकर साहब का मकान, जहाँ सुबह में निकाह हुआ, शादी हुई, ये घर, ये मंडवा इन्होंने रखा था, और घर आगे है। अच्छा, और ये किसका मकान है, ये मुमताज धनसे, मुमताज धनसे साहब जो गांव के सरपंच है क्या जी, अच्छा उनके सरपंच साहब अभी है क्या, साहिबा, अच्छा मुमताज साहब उनका घर है, ठीक है, चलो अच्छा। अब सियासत में भी है हमारे लोग, और ये इसका धोले बरू खाला से घर बोलता है, बरू खाला से घर बोलता, अच्छा ये इस घर है बरू खाला सा, क्या हांडी बसना तो जवान जरा रेला असेल ती खाऊ शकतो तू मागून पण नाही, जेवण पण भेट दिला होता, आता मला जलवायला तुम्ही सांगा नको आसिफ भाई, मामी उशिराने पोहोचलो, उशिरा, हा ती मीनास खलफे बोलते पार्सल करा म्हणा जेवण, आसिफला सांगा बोलते, जी जी, शादी आता बोला या शादीला गावात पण या, गावात पण या, मुंबईकार यायचं आहे, चलो
अभी आगे हम निकल रहे हैं। अभी आपको थोड़ा मैं बता दूं कि ये गांव जो है छोटा सा गांव है और इसके तीन हिस्से हैं, तीन मोहल्ले समझ लीजिए, और हर मोहल्ले के बीच में तकरीबन एक एक किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी फासला है। मेन जो मोहल्ला अभी जो था हमने जो दिखाया, अभी मैं एक दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ, उसको कहते हैं कोंड ना, मालूम से कौन का है? नहीं। कोंड बोलते हैं, लेकिन एसरे कोंड है वो, एसरे ठुमरे वाड़ी। तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ अपने मतलब इनके तो मकान हैं मुसलमानों के, 10-15 कुछ घर हैं, कब्रिस्तान है, वहाँ पे मस्जिद भी बन रही है, तो उस पार्ट में लेके जा रहा हूँ। देखो ये हमारे अब्दुल मतीन खलील पेटकर साहब, इनके मकान को वहाँ मिलने जाना, ये मेरे खालसा भाई है, ठीक है। अभी जा रहे कुंबले में, वड़ा पाव में कुछ लाना नहीं, और ये गुड़िया का नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी से, कौन? सुप्रिया नाम, मारिया खल, मारिया पेटकर ना, हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, चलो तुम्हारा खाला है ना करा, हाँ मेरे खाला साथ भाई है सगे, चलो हाफिज साहब, अल्लाह हाफिज भाई, चलो बेटा इतना ओके। ये है बादशाह चिकलकर साहब, उनका मकान है, आवाज़ दे रहा हूँ और फ़ोन भी कर रहा हूँ तो ना फ़ोन उठा रहे हैं, और बेल भी मारा मैंने, कोई बाहर आ भी नहीं रहा है। तो बादशाह भाई अच्छे हैं इंसान, देखते हैं अभी मिले तो। और यहाँ की मस्जिद है, यहाँ के मोहल्ले की, खासकर कोंड के मोहल्ला जो है, अंदर लेके जाऊँगा आपको दिखाऊँगा। गांव के सदर साहब लुकमान चिकलकर है ना, और उनके उनका मकान है, अभी हम उनसे मुलाकात करें। मैं यहाँ पे खास अभी मिलने भी आया हूँ हमारी YouTube कंटेंट क्रिएटर की मेंबर है नेहा बांगी साहबा, ठीक है, उनसे मिलवाता हूँ। ये है नेहा बांगी साहब, और ये इनका मायका है, और जो मायका इनका जिस गांव से है वही मेरा ननिहाल भी है। तो ये अपने मायके में आई, आज शादी थी इनके रिश्ते में, और मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो नेहा जी अपने चैनल का नाम बताओ। पहली बात तो अकलंकला पाए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पे मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। तो अभी देखिए आप लोग अकलंकल के साथ साथ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को भी, नेहा वाई सब ब्लॉग्स मेरा चैनल का नेम है, पहले अलीजा का सफ़र था, मैंने चेंज किया है, आप लोग इसे भी मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। जी जी बिल्कुल, तो नेहा जी के चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये कोशिश करती है अच्छे व्लॉग्स बनाने की, कुकिंग के, ट्रैवलिंग के वगैरह, छोटे बड़े जो भी है, शॉर्ट्स भी होते हैं, आप सपोर्ट करेंगे तो ये अच्छी वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश करेगी। और उनके साथ में उनके वालिद साहब है अब्दुल कादर चिकलकर साहब, हाँ सलाम अलैकुम, वालिद साहब रहमतुल्लाह बरकातहू। तो ये बुजुर्ग जो है इनके वालिद साहब, तो इनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उनके वालिदा भी बेटी है साथ में, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, माशाल्लाह पोर्टी तुमकी मोह बेस है, आप वीडियो वीडियो बनाते हैं यानी बोलते मोह, हाँ मोह बोलते यानी बेस बोलते, माशाल्लाह ठीक है। तो इनसे मुलाकात करके मैं अगला वीडियो अपना कंटिन्यू पार्ट चलता रहेगा, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। कोंड इस मोहल्ले में, इस हिस्से में मतलब ये नई मस्जिद तामीर हो रही है, जिस किसी अल्लाह के बंदे ने इस कायर खैर में हाथ बटाया है, अपने दामे दर में सखने जो भी लगाए अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अल्लाह उन सबको आबाद रखे, और जिन्होंने एक मस्जिद बनाने की जगह दी है, और जिनका भी इसमें एक रुपया लगाया, मिन्नत है बदनी मेहनत हो, तो अल्लाह उन सबको, सबकी मेहनत को कबूल फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए, और मस्जिद को आबाद रखे। अभी काम चल ही रहा है, ऊपर भी है, सीढ़ी से जा सकते हैं ऊपर का इलाका, ऊपर अभी काम अधूरा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा, यहाँ से ये देखो टेरेस है, और इस इलाके को, इस बस्ती को आप देख सकते हैं यहाँ से, थोड़ा मैं कैमरा घुमा देता हूँ, एक कोंड के बहुत सारे लोगों के मकान तरह है। तो कोंड की मस्जिद से आप लोगों को मैं एरियल व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के मकान वगैरह को दिखा सकूँ। अब कब्रिस्तान लेके चलता हूँ, और वो सामने कब्रिस्तान है, ये जो कंपाउंड वाल जो दिख रही है दीवार लाल पत्थरों की, उसके अंदर कब्रिस्तान है। 17 मई 2023 वेंसडे को हमारे खालू जनाब इस्माइल बाबा खलफे साहब का इंतकाल हो गया, उनकी तदफीन के लिए लोग इस तीड़े के कब्रिस्तान में आए हैं, वो भी एक छोटा सा क्लिप था, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि सबके चहेते थे, बहुत अच्छे कसीदा खां थे और बहुत मशहूर थे अपने ज़माने के, 85+ के करीब उनकी एज हुई होगी। तो मैं दुआ करता हूँ इस कब्रिस्तान में सारे रिश्तेदार और गांव के लोग जो मदफून हैं
अल्लाह सुबहान तआला सब की मगफिरत फरमाए, सब के कब्र को नूर से भर दे और सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ये हमारे फैज वलेले साहब, अस्सलाम वालेकुम। बॉम्बे पोर्टस वाले हाउ ना के रिटायर थे लो बेसो ना शादी ले लेते हो ऐसा नहीं कहा तो मुंबई ला मना आता बोलो मारू अच्छा नहीं मुझे बोलते ओके ये करता था ना हाँ वीडियो करता था लेते ठीक नहीं बोलती अरे बोलो ओके। ये हमारे बापू मामू हैं मंडनगढ़ में, पहले बेकरी चलाते थे, लॉजिंग थी और अभी रिटायर लाइफ गुजार रहे चिड़े में। दुआ करो इनके लिए है ना। 96 पर हाँ अभी 96 चला मैं 96 एज है इनकी उम्र 96 चल रही है बाबा और अभी भी चल रहे देखो दुकान से सब सामान लेके आ रहे हैं। एहसान है वो अल्लाह का शुक्र एहसान है। नमाज भी पढ़ते हैं बराबर जी बहुत बड़ा एहसान है। नमाज भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें बापू मामू के लिए। तुमसे नाव खड़ा का जिस बापू वाले लेके आया होता बापू उस्मान वाले ले बापू उस्मान वाले ले तुम्हें हाज गाँव चे तुमसे घर वट्टी दाखाई दाखोला तो ना कि मंगा दाखोला हो बगले दाखोला वीडियो मजा ओके। ये यहाँ की जामा मस्जिद है तिड़े की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم الله اس مسجد اور بستی کو آباد رکھے آمین। हज़रात मेरे साथ यहाँ के बहुत ही बाइज़त मोहतरम इमाम साहब मौजूद हैं। हज़रत आपका नाम क्या है? मोहम्मद रब्बानी। हाँ मोहम्मद रब्बानी साहब, यहाँ इमामत कितने साल से कर रहे हैं आप? 5 साल से कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको स्क्रीन पे मस्जिद में कुछ डैमेजेस है, कुछ क्रैक्स है, कुछ सीजनल होता है, कुछ वेदर का असर होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो मस्जिद में मेंटेनेंस की खास ज़रूरत है और ये काम मुखैर हजरात के सिवाय बिल्कुल नहीं होता और इसका हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। मेरे साथ गांव के सदर साहब जो है जनाब लुकमान अब्दुल कादर चिकलकर साहब हैं। जनाब आप अपील क्या करना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आज हमारे ऐसा मसला है हमारा, हमारी मस्जिद तामीर हो गए 6-7 साल हो गए जी और जिसने मस्जिद का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो उसके तरफ से कुछ गलतियां हुई है लेकिन आज एक छोटा सा मोहल्ला है हमारा तिड़ा मोहल्ला तो उसके ऊपर आज ये सब बर्डन आया हुआ है जी, जी, जी। और इसमें हमें ताउन करने वाले अल्लाह के बंदों की जरूरत है। बिल्कुल माशाल्लाह जो बंदे खुदा है उनकी हमारे को सख्त जरूरत है क्योंकि माशाल्लाह 7 साल पहले हमारी पुरानी मस्जिद थी उसको शहीद करके नई मस्जिद तामीर की गई है और लगभग एक शेयर तक खर्चा है उसका और उसके अंदर गांव वालों ने भी बहुत आजू बाजू के गांव से ताउन मिलाया है और गांव वालों ने भी अपनी हैसियत के हिसाब से ताउन किया हुआ है और आज हमारे सामने 7 साल के अंदर इतना बड़ा मसला है खड़ा हो गया। देखिए इन शॉर्ट तो यही है कि सदर साहब थोड़ा हुआ झिझकते हुए शर्मिलेपन से कह रहे हैं और आपको मालूम है मैंने साफ बात की है कि ताउन की जरूरत है, छोटी बस्ती है। मैं सदर साहब से अभी पूछने वाला हूँ कितने घर है, मेंबरशिप कितनी है, पूरी तफसील अभी मतलब आपको बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है जो मुखर हजरात हैं वो सदर साहब से कॉन्टेक्ट करें और अगर जिम्मेदारी लेते हैं रिपेयरिंग की कुछ ऐसे काम की तो अल्लाह यकीनन उनको अजर अजीम से नवाजेगा और अल्लाह के घर की तामीर में या उसके रिपेयरिंग में हिस्सा लेना भी बहुत बड़ी बात है तो मतलब उसमें तो यहाँ भी और आखिरत में भी उसका सवाब है। सदर साहब आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताइए ताकि लोग हेल्प करें।
8888732881 और दूसरा एक नंबर है अल्टरनेट 8080555721। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सदर साहब के नंबर पे कांटेक्ट करें, जरूर हेल्प करें। जज़ाकअल्लाह खैर। हज़रत कफ़ातीन, एज यूजुअल जैसे हमारे हर गांव के एपिसोड्स बनते हैं और हमारा काम है मोहब्बत को बांटना, लोगों के मसाइल को, तहजीब को, हर चीज़ को आपकी खिदमत में अपने वीडियो और चैनल्स के जरिए पेश करना। मैं टीढ़े गाँव में हूँ जो मेरा ननियाल है और तकरीबन बहुत सारे गाँव मैंने आपको दिखा दिया। अगर किसी का घर कुछ कोना बच गया होगा, रह गया होगा, तो माफ़ करना, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरे साथ में गांव के मोहतरम बहुत ही नौजवान सदर मोहतरम मौजूद हैं, जनाब लुकमान अब्दुल कादर चिखलकर साहब। तो जनाब आपको हमारे चैनल पे इस्तकबाल है। मैं इनसे कुछ सवाल है जिसे हमेशा करते रहता हूँ, तो उनसे भी कुछ मैं पूछूँगा और जो बेसिक जानकारी होती है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। साथ में उनके लेफ्ट हैंड में बैठे हैं जमात के सेक्रेटरी जनाब सादिक वलेरे साहब। सादिक वलेरे साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं, साथ में नहाए खेले नदी पे। हमारे मरहूम दोस्त शौकत जो खलसे हैं उनको भी याद कर रहा हूँ, उनके भाई हसरत खलसे जो मुंबई में रहते हैं जी। और बहुत सारे अभी जो जैसे आपने देखा फैज खलसे मिले, और बहुत सारे बचपन के दोस्त जिनसे आज मुलाकात नहीं हो पाई है, तो उन सबको याद करते हुए साथ में हमारे टूर गाइड आसिफ खलके साहब, ये भी जिम्मेदारों में से गाँव के जी, उनके वाले साहब कमेटी मेंबर्स में से जी। अब बेसिक सवाल आपसे हैं, तो गांव में जो मेंबरशिप होती है मंथली या ईयरली, इसको वर्गनी कहते हैं, तो कितनी है? हमारे गांव में वैसे वर्गनी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईमान के लिए जो कहते हैं उनका जो सैलरी होता है उसी हिसाब से हम लोग 250 तकरीबन 250-280 रुपए तक हम लोग निकालते हैं। साल का 3000 के करीब होता है। यस। गांव में कितने घर हैं? गांव में हमारे घर है वैसे 68। अच्छा। लेकिन उसमें से 10 घर ऐसे हैं जिनका अभी कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर मौलाना के तनखा के लिए अपने को आती है। तो यहाँ जो मस्जिद का मेंटेनेंस है, इमाम साहब की तनखा, मुफ्ती साहब वगैरह जो भी होंगे, और यहाँ का लाइट बिल होता है मस्जिद का, इस तरह के जो अखराजात जो होते हैं बेसिक जो जरूरी है, छोटी सी बस्ती और जो खर्च उतना पूरा नहीं हो पाता है। और साथ में अगर शादी में जैसे होती है हर गांव में जैसा जो अपने दूल्हे की तरफ से कुछ डोनेशन लिया जाता है जमात के लिए, दूल्हा या दुल्हन जो भी प्रोग्राम जमात का जो आता है जिसको कहते हैं अपन हजदाना कहते हैं, तो 2500 रुपये होता है। और अगर जैसे कोई बाहर शादी कर ले तो फिर गांव का हजदाना 4000 रुपये होता है। दूल्हा बाहर कहीं जाके शादी करेगा तो इस तरह से चीजें हैं जो लोगों को थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो के गाँव के इखराजात इस तरह से चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाँव है, काफी अच्छे लोग हैं। तो सदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने हमारे लिए वक्त निकाला। सुबह से शादी में मसरूफ थे, मैंने सुना घोड़े पे बैठ के भी बहुत गाल होंगे, तो वीडियो क्लिप मेरे पास आने वाली है, आसिफ मैंने भी शायद भेजे हैं, तो बहुत एक्टिव है सोशली पॉलिटिकली भी। तो आपका जनाब बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो इसी के साथ, इन जिम्मेदारों के साथ आज का वीडियो मैं यही स्टॉप करता हूँ। और आपको एक ऐसा वीडियो लगा आप ज़रूर कमेंट से नवाजें। कोई गलती मुझसे, सदर साहब के कहने के से, सादिक भाई सेक्रेटरी साहब से, आसिफ भाई तो मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं, कैमरे में भी नहीं आते, शर्मिले हैं, फिर भी मैं एडवांस में सॉरी कहूंगा, माफी मांगूंगा। ताऊन की तो अभी तो कर चुका हूँ, इनका हमको बहुत जरूरी ताऊन है जी। मस्जिद का जो रिपेयरिंग का काम है ना, हमारा काम जो है ना बहुत गरीब है जी, हमसे जो इतना नहीं हो पा। हाँ, वो तो स्क्रीन पे मैंने सबको दिखा दिया जी जी, हम सारी चीजें। बस वही एक रिक्वेस्ट है जमात की तरफ से, जमात मुस्लिम की तरफ से, और हमारे सदर साहब जमातुल मुस्लिमीन तुडे के तरफ से आपका, आपके चैनल का हम इस्तकबाल करते हैं। हमारा छोटा सा गांव आप यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, इस बार पहली बार यूट्यूब लाइव हो रहा है हमारे गांव में। ऐसा है कि जो इनके गांव को पूरा दिखाया, यहाँ की मालूमात लिया, और मैं शुरू से नानी नानी कह रहा हूँ,
तो मैंने शुरू में कहा था एक डायलॉग कहूंगा, आजरा है मजाक या मोहब्बत या दीवानगी से कहिए, ये सदर साहब है ना ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये है ना लोगों से ना जानबूझ के अंदर से निकलवाते हैं। तो मैं सदर साहब ये कहूंगा, मैं शुरू वीडियो जो किया कुमरे से मैं कहने वाला था कि लोग अक्सर कहते हैं कि नानी के गाँव के लोग जन्नती होते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि नानी है ना, नानी के गाँव से हमारी माँ होती है, और नानी के गांव के लोग जो है ना, हर बंदा जो बुजुर्ग अपनी माँ की उम्र का होता है उसको मामू कहता है, माँ की उम्र की औरतों को खाला कहते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं अपने खालादार या मामूदार भाई बहन होते हैं, और ये उनसे तक मोहब्बत ऐसी होती है कि नानी के गांव के हर गुना माँ समझे। तो आप लोग से मोहब्बत है, इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे शादी पर हमारे सारे बुजुर्ग में, अपने नाना की उम्र खलफे साहब और बहुत सारे उनके हम उम्र लोग, मैं अभी उन बुजुर्गों से साथ में से मैं शेख उमर साहब को भी मिला, खलफे साहब जो है शेख उमर खलफे साहब मेरे नाना के जमाने के लोग से, आपके वालिद साहब भी थे और फैज वगैरह के अब्बा मोहम्मद वाले साहब, तो काफ़ी मजा के लोग थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमेंट से नवाजें, आप दुनिया के किस कोने से या किस गाँव से किस बस्ती से देख रहे हैं, और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए कमेंट के जरिए, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट से व्यूज से और शेयरिंग से ही हमारी हिम्मत अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खाली साहब और हमारे टूर गाइड आसिफ करके साथ चल भी रहे जी जी जरा।